हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए एक और शानदार सा ग्लो लाया हूं, जिसके अंदर आप देख सकते हो टोटल मिला के 4-5 तरह के एक साथ ग्लो इसमें चमक रहे होंगे। ये वाला आज अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। कमाल का ट्यूटोरियल होने वाला है, तो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैं फ़ोटो में बना रहा हूं। मैंने वीडियो में अपना जो है इसे रिप्लेस करके बना के एक्सपोर्ट कर दिया था। इतना भारी है, लैग हुआ था, मतलब परेशान हो गया भाई मैं 200 बार। तो ये देखिए गाइस, अभी मैं फ़ोटो में बना रहा हूं, ठीक है। इसीलिए तो सबसे पहले चलते हैं इसके एडजस्टमेंट के अंदर। और यहाँ पे देखो गाइस, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट भी हाँ बढ़ा हुआ ठीक है। वैसे घटा भी सकते हैं, कई बार घटाने से क्या इसकी जो ब्लैक ड्रेस है वो थोड़ी अच्छी दिखती है, ठीक है। बाकी HSL में चलते हैं। ब्लू कलर की थोड़ी सी हल्की 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 सेचुरेशन जीरो करनी है। रेड कलर की भी जीरो कर देना। वैसे फ़ोटो में तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन अगर वीडियो होता है तो रेड कलर भी आता है, तो वो हटा देना। अब देखो गाइस, लेज़र बीम नहीं मिलता है, तो देखो लाइट इफेक्ट के अंदर लेज़र बीम यहीं पर है। ये आपको दिख रहा है लेज़र बीम, तो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है। मैं बता बता के थक गया हूँ उन लोगों को, भाई ये पड़ा है सामने। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इंटेंसिटी फुल कर दो। इसकी मैं यहाँ पे रेंज कम कर रहा हूँ। कुछ कलर ऐसे होते हैं गाइस, जिनमें रेंज है ना कम करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं, लेकिन कुछ कलर में रेंज ज़्यादा रखनी पड़ती है, जैसे कि रेड कलर है। तो अभी देखना, मैं रेड भी रखूँगा, बाद में बताऊँगा तुम्हें। अभी फ़िलहाल इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर जो एक मास्क वाला फीचर यूज़ करो, आपको करना है ये वाला, ठीक है, जिसमें इस तरह आता है। देखो इस एरो को अगर जितना नीचे करोगे उतना फेड होगा, और जितना ऊपर करोगे उतना मतलब फेड कम होगा। इस तरह आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है, दो अंगुलियों से। तो देखिए गाइस इस तरह, अभी यहाँ से अपन जो है इसके टोटल 4 ऐसे कॉपी करेंगे ओवरले में, और इस तरह मास्क करेंगे। एक में जो है गर्दन से नीचे का हिस्सा, फिर गर्दन से नीचे पेट का हिस्सा, फिर घुटनों तक का हिस्सा, फिर घुटनों तक के नीचे का हिस्सा। इस तरह के हो गए ना 4। तो इस तरह अपने को पहले तो ये 4 ओवरले बनाने हैं। जैसे अभी मैं फटाफट में, ये देखो गाइस, अभी नीचे का हिस्सा बना लिया है। इसके बाद मैं आगे का हिस्सा, ये देखो ये कर लिया है। एक और मैं कॉपी कर देता हूँ, जिसमें मैंने ये कर दिया है। बस टोटल 4 कॉपी किए थे। अभी इनका जो है मैं ओवरले में ले लेता हूँ, ठीक है। ओवरले में मैं इन्हें यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आगे आ चुका है। इस तरह जो है अब आपको ये कर लिया एक कॉपी, तो अभी एक कर लिया है। अभी देखो इस लेज़र बीम को कॉपी करना है, ठीक है। लेज़र बीम को कॉपी किया, ऑब्जेक्ट में जो है गाइस वो ओवरले लगा दो, ठीक है, जिस जो ओवरले अपन ने लाया है। अब ऐसा ही करके जो बची हुई 2 और ओवरले हैं उनको भी आपको ओवरले, पहले फ़िलहाल मैं जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं येल्लो किया हूँ, तो येल्लो कलर की देखो गाइस रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए कुछ कलर होते हैं जिनकी रेंज बढ़ानी पड़ती है, कुछ की कम से भी चल जाता है। जैसे ब्लू कलर है उसकी कम रेंज में चल जाता है। तो ये ओवरले मैंने ले लिया है, इसको भी मैं आगे ले लेता हूँ। थोड़ा हैंग हुआ हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सही जगह पे सेट हो चुका है। लेज़र बीम को भी एक और कॉपी करो यहाँ पे। जितने ओवरले हैं, जितने आपके वीडियो है उतने लेज़र बीम इफेक्ट रखने हैं। जैसे 4 वीडियो है तो 4 इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने कलर ये कर दिया है, ब्लू कलर कर दिया है, ऊपर येलो था तो इस बार ये कर दिया है। इसके बाद जो है एक और वो गाइस आगे वीडियो है, इसको भी मैं ओवरले में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो और ओवरले के बटन पर दबा दो। ये रहा यहाँ पे, ये रहा हाँ ओवरले का बटन, ये रहा ओवरले को करके यहाँ पर इसको आगे लिया। ऐसे करके एक और वीडियो है उसको मतलब लास्ट तक अपने को आगे लाना है, और आपका काम मतलब पूरा रेडी। यही प्रोसेस है गाइस, जो आपने वीडियो कॉपी किया है उसको नीचे ओवरले में ले लेना है, उसको यहाँ लगा देना, और वहीं एक इफेक्ट आपको लगा लेना, और उस इफेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट में जाके वो नया ओवरले सेलेक्ट कर लेना जो कि आपने अभी यहाँ पर लगाया है। तो कुछ का देखो गाइस, यहाँ पर जो है घुटनों के नीचे वाले में अपने को लेज़र बीम को 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइटें कम दिख रही है। तो देखो गाइस नीचे जो है ब्लैक है ना पूरी ड्रेस, तो ग्लो ज़्यादा आ नहीं रहा, इसलिए मैंने 2 लेज़र बीम कर दिए ताकि ग्लो जा भी आए ज़्यादा आए। तो अभी आपने देखा कि ज़्यादा है, अब इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये काम अपना रेडी हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये देखिए गाइस पूरा तैयार है। और अब देखो गाइस लेज़र बीम को भी अपने वो ऑब्जेक्ट में लगाना है, वो वाला हाँ कौन सा है वो अपने को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये नहीं ये गलत वाला छेड़ दिया है गाइस अपन ने। देखो यहाँ पे ये है, तो ये एक अपन ने कॉपी किया था। अब देखो एक लेज़र बीम में जाओ नीचे कॉपी किए हुए में, और ये भी कोई शायद हाँ ये, अभी इसके ऑब्जेक्ट में जाओ और हर एक को चेंज करके देखो। यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ यहाँ आ गया, ये वाला ओवरले है। कुछ आगे पीछे ओवरले आ गए हैं, जैसे अपन ने कॉपी किया तो उसके आगे आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये देखो गाइस इसका मैं जो है थोड़ा सा येलो कलर रख लेता हूँ, ठीक है। येलो 2 जगह है ऊपर, और इसके बीच में पिंक और ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ब्लू और येलो, तो अलग अलग कलर से ये पूरा जो वीडियो है आपका रेडी है। अब आप इसमें वीडियो भी लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल माई व्यूअर्स।